नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे और अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो खबर सबसे पहले। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच होना है, यानी कि 1 घंटे तक प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। और 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या की धरती से संबोधन होगा। जिन भी लोगों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया है, उन्हें 11:00 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं और अब समय भी सामने आ चुका है। 11:30 से 12:30 तक का ये समय रहने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या अब नए रंग और नए अंदाज में दिखाई पड़ रही है। अयोध्या नगरी आज जो चमकती दमकती अयोध्या पूरी दुनिया देख रही है, उसे बनाने में कई सालों की मेहनत लगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई अयोध्या की नई तस्वीर बनाने के लिए पिछले कई महीनों से जुटे हैं। अयोध्या के लिए पिछले 80 महीनों में 47 फैसलों का रिजल्ट क्या रहा, अब चलिए वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने, तब से ही वो अयोध्या के कायाकल्प में जुटे हुए हैं। अयोध्या में नगर निगम की मांग लंबे समय से चल रही थी, लेकिन योगी के सत्ता में आते ही उन्होंने 2 महीने के भीतर नगर निगम बनाने के लिए हरी झंडी दे दी। अयोध्या और फैजाबाद नगर पालिका परिषद को मिलाकर नगर निगम बनाया गया। ये वो तमाम चीजें हैं जो बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, अयोध्या और फैजाबाद नगर पालिका परिषद को मिलाकर नगर निगम बाकायदा बना दिया गया। इसके अलावा क्या क्या बड़े कदम उठाए गए हैं। 9 नवंबर 2023 को सीएम योगी ने अयोध्या में कैबिनेट की एक बैठक की और बैठक के जरिए सब कुछ संभाला। और उसके बाद आप देखिए, योगी कैबिनेट की बैठक में अयोध्या पर अब तक 47 नीतिगत फैसले लिए जा चुके हैं। और इसके अलावा और क्या कदम उठाए गए हैं अयोध्या के लिए। योगी सरकार ने अब तक 31,000 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अनुपूरक बजट में अयोध्या के लिए 100 करोड़ यहां से जो मंजूर है वो कर दिए गए हैं। और बड़े फैसले लिए गए हैं जिसमें अयोध्या के विकास कार्यों की सीएम योगी खुद निगरानी करते आ रहे हैं और हर काम की क्वालिटी को बकायदा खुद अयोध्या पहुंचकर निगरानी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ देखे गए हैं। अब तक 61 बार सीएम योगी अयोध्या जा चुके हैं। योगी सरकार की पहल से अयोध्या दीपोत्सव भारतीय संस्कृति की नई पहचान बन चुका है। ये 80 महीने में हम आपको 47 बड़े फैसले जो देखे गए हैं वो बता रहे हैं। और योगी सरकार और खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनकी तैयारी ये रही है, कोशिश ये रही है कि राम मंदिर जब भव्य दिव्य बनकर तैयार है तो उसमें कोई भी कमी ना रहने पाए। जिस अयोध्या के विकास को योगी आदित्यनाथ आज नई रफ्तार दे रहे हैं, उस अयोध्या से उनका नाता बेहद गहरा और पुराना है। आपको बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैद्यनाथ जी महाराज और दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी महाराज अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए थे। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के गोरक्षपीठ के महंत बने तो उसका भी अयोध्या से ताल्लुक रहा है। और सीएम बनने के बाद अयोध्या के विकास में योगी आदित्यनाथ अपनी नई भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान परंपरा के उस समस्त परंपराओं के प्रवाहक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो स्वप्न पूर्वावर्ती आचार्यों ने देखा था, उस स्वप्न को साकार करने का श्रेय और सौभाग्य दोनों पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को प्राप्त हो रहा है। जहां आज समस्त विश्व अयोध्या की ओर देख रहा है, राम मंदिर की ओर देख रहा है, जब जब इसके नींव को याद किया जाएगा, जब जब इसके संघर्षों को याद किया जाएगा, तो हम गोरक्षपीठ के उन पूर्वावर्ती आचार्यों को भी याद करेंगे। और यह भी एक इतिहास का साक्षी बनने वाला है कि परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसी परंपरा के प्रवाहमान परंपरा प्रवाहक के रूप में श्री राम लखन लला को उनके दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान करेंगे। डेवलपमेंट लेकर विकास लेकर पर्यटक स्थल कैसे अध्याय कैसे जोड़ा जाए, चाहे श्री राम एयरपोर्ट का मामला हो, आज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो गई, चाहे अयोध्या रेलवे स्टेशन आप देखो, जैसे एयरपोर्ट जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन दिख रहा है। नेता घबराते थे, भागते थे, कतराते थे अयोध्या आने से। आप समझो जिस दिन मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद चौथे दिन अयोध्या आना, राम द्वारे तुम रखवारे होत नांगा बिन पैसारे, हनुमान जी महाराज का दर्शन करके श्री राम जन्मभूमि पर जाना, नेता की किसी नेताओं के दम नहीं होती थी। अब तो महीने में तब कभी जब मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे तो साल में 5-6 बार आते थे, अब जब से मुख्यमंत्री हो गए तो महीने में 5-6 बार आते। राम जन्मभूमि आंदोलन पर गोरक्षपीठ का जो योगदान रहा है उसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। ये पीठ हमेशा राम जन्मभूमि मुक्त के लिए संघर्षरत रही,
भगवान रामलला जो हैं जब टेंट से बाहर आ रहे थे, तब यदि किसी की गोद में गए रामलला तो वो योगी आदित्यनाथ जी की गोद में रामलला को वो ले के गोद में आए थे। तो ये जो उपलब्धि है, ये जो अवसर है, ये जो सौभाग्य है, ये गोरक्षपीठ को मिलता रहा है और विशेष रूप से योगी जी को तो वो अवसर मिला है कि वो इतिहास पुरुष बन चुके हैं। राम की नगरी अयोध्या एक साल में बहुत बदल गई है। अब अयोध्या आधुनिकता के साथ अपने अंदर राम युग की झलक समेटे हुए दिखाई पड़ती है। इस वक्त हम आपको बताएंगे कि अयोध्या में त्रेता युग का एहसास कराने के लिए क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं और वो लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। अब देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। आधुनिकता का एहसास कराता महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां की जनता को समर्पित कर चुके हैं, और इससे फायदा सिर्फ इस देश के लोगों को नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोगों को पहुंचने वाला है। राम मंदिर की तर्ज पर बना है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो कि भारत के तमाम अत्याधुनिक स्टेशन में से एक है। इसके अलावा आपको ये बताएं, राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ से अयोध्या की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। बीते कुछ सालों में अयोध्या पूरी तरीके से बदली है। टेराकोटा कलाकृतियों और पेंटिंग से सड़कों को सजाया गया है, यानी आप जिन सड़कों से गुजरेंगे उसके दोनों तरफ पेंटिंग्स लगाए गए हैं, यानी कि आधुनिकता भी हो और राम युग की झलक भी दिखाई दे। हाईवे के किनारे सांस्कृतिक झलक दिखाने की जो तैयारी है वो पूरी तरह से भव्य कर ली गई है, और यही वजह है कि हम कहते हैं कि अयोध्या नगरी पूरी तरीके से बदली हुई है। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और देश की कई बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इकबाल अंसारी को भी न्योता भेज दिया है। इकबाल अंसारी अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले के वादी रहे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण कैसा है आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में आमंत्रित करने के लिए जो निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है उसकी झलक आप देखिए। यही वो कार्ड है जिसकी पहली प्रति प्रभु श्री राम को दी गई, उसके बाद अन्य लोगों को भेजी जा रही है। हर निमंत्रण पत्र में मुख्य निमंत्रण पत्र, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पत्र, राम जन्मभूमि आंदोलन की यात्रा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भूमिका निभाने वाले लोगों का परिचय देती एक पुस्तिका शामिल है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के इस निमंत्रण पत्र को अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्ववादी इकबाल अंसारी को भी दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से इकबाल अंसारी को निमंत्रण कार्ड दिया गया। राम मंदिर में जाने के निमंत्रण पर इकबाल अंसारी ने बताया कि उन्हें बहुत खुशी है कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि को लेकर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो है उसके लिए निमंत्रण सबको बटना शुरू हो गया है, और इनमें से एक निमंत्रण मिला है इकबाल अंसारी को। ये प्रमुख वादी थे इस पूरे केस के, और न्यूज 18 इंडिया के हाथ में ये खास कार्ड है जो कि उनको इस वक्त मिला है, और निमंत्रण उनको ये मंदिर ट्रस्ट की कमेटी की ओर से ये दिया गया, और साथ ही दिया गया है इसके साथ वाहन पास, जो वाहन पास जिस ताकि अपनी गाड़ी ले जाएं तो इनको कोई दिक्कत ना हो। इकबाल अंसारी जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। आपके हाथ में ये कार्ड है, सबसे पहले मैं आपको ये कार्ड का देखिए बाहरी डिजाइन बताना चाहता हूँ। ये पूरा मंदिर का इस पे डिजाइन किया हुआ है, एनवलप पे, इसके लिफाफे पे, और विशिष्ट डिजाइन इसको इसमें किया गया, आनदिक अनादिक निमंत्रण ये लिखा हुआ है। अब अंदर क्या है, कैसे है, सब कुछ अंसारी जी हमको बताएंगे। सबसे पहले हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, ये निमंत्रण मिला है, क्या ये निमंत्रण आपको स्वीकार है? भाई, हमको ये स्वीकार है। अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या में कोई भेदभाव नहीं है, अयोध्या सारे धर्म के सारे जात के लोग यहाँ आते हैं, सबका सम्मान है, हम अयोध्यावासी हैं। जो हमारा मुकदमा रहा वो सब 2019 में खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, कोई मुकदमा नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं,
आज हम लोग अयोध्यावासी हैं, हमको बुलाया गया तो हम भी जाएंगे। देश के जो है देश विदेश के लोग आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमारा भी बुला हुआ है, हम भी जाएंगे, हम भी खुश हैं। निमंत्रण कार्ड के लिफाफे पर राम मंदिर का चित्र छपा है। लिफाफे के अंदर लाल रंग के इस कार्ड पर श्री राम लला के बाल स्वरूप की तस्वीर छपी हुई है। इसमें लिखा है, अनादित निमंत्रण, श्री राम धाम अयोध्या। इसके साथ ही भगवा रंग में संदेश लिखा गया है। इसमें ये भी लिखा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 12:20 पर है और तारीख सोमवार 22 जनवरी 2024 है। मुख्य कार्ड है, इनको मिला है सबसे पहली प्रति, हम इसको बताएंगे, अपूर्व आनंदक निमंत्रण श्री राम अयोध्या, ये लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको खोलेंगे, इसको अगर हम ये खोलेंगे, देखिए बहुत ही अहम कार्ड है और मुख्य वादी को मिला है और इन्होंने ये निमंत्रण स्वीकार किया है। श्री राम लला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा विशिष्टोत्सव तिथि।